खाली 42 दिन से दिल्ली के शाहीन बाग में धरना चल रहा है, जिस पर समर्थन और विरोध के अपने अपने तर्कों के साथ खेमे बटे हुए। दिल्ली में माहौल चुनाव का है, वोटिंग को अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं, तो शाहीन बाग के धरने का चुनाव की राजनीति पर असर पड़ना ही था। आज खबरदार में शाहीन बाग के धरने के सियासी साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली के चुनाव कैंपेन में 4 दिन से जुटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों में लगातार शाहीन बाग का धरना निशाने पर है, और इसके बहाने खासतौर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम निशाने पर। अमित शाह और उनकी टीम को एक नया मौका उस शर्जील इमाम के वीडियो से भी मिल गया है, जो शर्जील इमाम कभी जामिया तो कभी एएमयू के धरनों के उन मंचों से देश को तोड़ने वाली जहरीली सोच का प्रचार प्रसार कर रहा था। जो मंच नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर बने हैं, अब शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी तो शर्जील इमाम से खुद को अलग कर रहे हैं, लेकिन शाहीन बाग खुद को दिल्ली की चुनावी राजनीति से अलग कैसे कर पाएगा, जब दिल्ली के चुनाव में शाहीन बाग का धरना एक मुद्दा भी बनता जा रहा, वो भी तब जब खासतौर पर टीम मोदी ने अपनी चुनावी रणनीति में शाहीन बाग के धरने पर हमलावर तेवर पकड़ लिए। लेकिन अमित शाह जी रोज आते हैं और दिल्ली वालों की 5 साल की मेहनत का मजाक उड़ा के चले जाते हैं। 8 तारीख के सुबह ही परिवार के साथ 10 बजे के पहले कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, और मित्रों इतनी जोर से दबाना, वो बटन की करंट से ही 8 तारीख की शाम को शाहीन बाग वाले उठ कर चले जाए। दिल्ली में 8 फरवरी की वोटिंग और शाहीन बाग का मुद्दा। बीजेपी की चुनावी राजनीति में शाहीन बाग तब से खास तौर पर आ चुका है जब से गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के चुनाव प्रचार कैंपेन में ग्राउंड जीरो पर उतरे और लगातार 4 दिन से मोर्चा संभाल रखा है। विधानसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी ने अपनी ताकत जो है वो झोंक दी है। आप देख सकते हैं कि अब से थोड़ी देर में अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है उनका यहाँ पर रोड शो जो है वो शुरू होने है, और हजारों की तादाद में जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी, और इसके साथ साथ तमाम जो प्ले कार्ड आप देख रहे हैं इस पूरी भीड़ के अंदर, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आई सपोर्ट CAA, यानी कि जो विधानसभा चुनाव है, इस बार विधानसभा चुनावों में जो मुद्दे हैं बीजेपी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि CAA का समर्थन को लेकर के यहाँ पर बीजेपी दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रही है। ये बीजेपी के लिए दूसरी किसी भी जगह से सबसे कठिन चुनाव है, क्योंकि दिल्ली का चुनावी मैच एक तरफा ही माना जाता रहा है, लेकिन कम से कम कड़ी टक्कर में बदलने के लिए अमित शाह ने पूरा जोर लगा दिया है। चुनाव चाहे 2014 का हो, 19 का हो, यूपी का हो, त्रिपुरा का हो, मणिपुर का हो या असम का, कठिन से कठिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने पार किए, और कई बार तो हर बार लगता था, ऐसे कई चुनाव आए जिसमें लगता था इस बार थोड़ा मामला फंसा हुआ है, हमारे दुश्मनों के, हमारे वैचारिक विरोधियों के चेहरे पर भी लाली आ जाती थी कि इस बार मामला फंसा हुआ है, साथ देने वालों के चेहरे पर चिंता दिखाई पड़ती थी, मगर जब जब मेरे साइबर योद्धाओं ने लड़ाई की कमान संभाली, विजय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, और दिल्ली के कठिन टेस्ट में टीम मोदी को यही उम्मीद है कि शाह की रणनीति के सहारे वो केजरीवाल के किले में सेंध लगा सकती है। शाहीन बाग से उसे वो मौका दिख रहा है जिससे दिल्ली का चुनावी फोकस बदला जा सकता है। 8 तारीख के सुबह ही परिवार के साथ 10 बजे के पहले कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, और मित्रों इतनी जोर से दबाना, वो बटन की करंट से ही 8 तारीख की शाम को शाहीन बाग वाले उठ कर चले जाए। शाहीन बाग के मामले में जो मुस्लिम महिलाएं बैठी हैं, इन्हीं मुस्लिम महिलाओं के लिए तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी रो रही थी, इनके रुमाल भीग गए थे, इतने आंसू निकल रहे थे इन लोगों को। 3 तलाक में न्याय दिलाना है, मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना है, अब क्यों नहीं जाते ये लोग, क्यों नहीं धरने पर गए अमित शाह जी, क्या कर रही है सरकार? भाजपाई सीना ठोक ठोक के कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया, मुस्लिम महिलाओं ने, अब आप उनकी पीड़ा सुनने नहीं जाएंगे, उनसे बातचीत करने नहीं जाएंगे, भाषण देंगे खाली घूम घूम के। शाहीन बाग पर दिल्ली की इसी चुनावी राजनीति में बीजेपी को नया मौका उस शर्जील इमाम के वीडियो से भी मिला, जो जामिया से लेकर एएमयू के मंच तक नागरिकता कानून के खिलाफ देश विरोधी बातें कर रहा था।
असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी हमारी बात सुनेंगे। आज एक वीडियो प्रसारित हुआ है, देख लो जरा। कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी दिल्ली को सुरक्षित नहीं रख सकती। श्री केजरीवाल को पूछना चाहता हूं, किसको बचाना चाहते हो आप? अरे जरा शर्म करो, शर्म करो केजरीवाल। वोट बैंक की राजनीति की भी कोई सीमा होती है मित्रों। मुझे बताओ, जो भारत के टुकड़े करने की बात करे उसको जेल सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं? अभी राष्ट्रवादी तेवर ही दिल्ली के चुनाव का नया कलेवर है, जो शाहीन बाग में चल रहे धरने से निकला, जिसको 40-42 दिन हो रहे हैं और प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं है। तस्वीरें हम आपको शाहीन बाग से दिखा रहे हैं। आज 71वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर देखें तैयारी पूरी गणतंत्र दिवस की, तिरंगों के साथ भव्य आयोजन यहाँ पर गणतंत्र दिवस का देखा जा रहा है। हम लोगों का सब यहाँ पे शाहीन बाग का, हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, सबकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदुस्तानी रहने दिया जाए। इसके अलावा हम में से कोई भी कोई और डिमांड नहीं चाहता। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर यहाँ आए और सिर्फ इतना बता दे कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं, नहीं है तो हमें बताए कि फिर हम कैसे प्रूव करें। हफ्तों से चल रहे शाहीन बाग के धरना प्रदर्शन पर समर्थन और विरोध दोनों एक आक्रामक अंदाज में हो रहा है। दिल्ली में जब चुनावी माहौल हो तो शाहीन बाग जैसे मुद्दों के साइड इफेक्ट से राजनीति कैसे बच सकती है? अमित शाह के रोड शो में आज सीएए विरोधियों के खिलाफ नारे लगे। याद रखिए कि हमारा विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद मुद्दा है, विकास पहले, हमारा लोकल मुद्दा पहले, लेकिन अगर कोई शाहीन बाग जैसी घटना करता है तो हम उसको राष्ट्रवाद से उसको जवाब भी देंगे। अमित शाह के रोड शो में इस तरह की नारेबाजी हो रही है, आजादी देंगे, अफजल को दे दी और जेएनयू को देंगे, इस तरह के नारे लग रहे हैं। हम उसका समर्थन नहीं करते। बीजेपी की रणनीति सीधी है कि शाहीन बाग के धरने के खिलाफ उसके आक्रामक तेवर जारी रहेंगे, जिसको लेकर वो केजरीवाल को घेरने में जुटी है। उधर टीम केजरीवाल इस कोशिश में है कि चुनाव इस एजेंडे पर न जाए। केजरीवाल लगातार दिल्ली के मुद्दों को लेकर अमित शाह पर पलटवार कर रहे हैं। सरकारों के बीच में स्पर्धा होती है, कौन हर घर में गैस पहुंचाएगा, कौन हर घर में टॉयलेट पहुंचाएगा, कौन हर घर में बिजली पहुंचाएगा, कौन हर एक को घर देगा। मगर मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी कि बार बार झूठ बोलने की स्पर्धा कौन करेगा। अगर देश में झूठ बोलने की स्पर्धा करा ले तो श्री केजरीवाल का नंबर पूरे देश में नंबर एक आ जाएगा मित्रों, नंबर एक। और जब पूछते हैं तो चीर जाते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, अमित शाह जी रोज आते हैं और अपने चुनाव प्रचार में दिल्ली वालों का अपमान करके चले जाते हैं, ये तो ठीक नहीं है। मैंने कल पूछा कि भाई आपने 1000 स्कूल बनाने का वादा किया था, 1000 स्कूल कहाँ है? आप मुझे बताओ भाई, आपकी बस्तियों में एक कोई स्कूल बना है क्या नया? जोर से बोलो, नया स्कूल बना है? बच्चे कम हो गए, बच्चे नापास होने लगे। शिक्षा का सत्यानाश करने का काम ये आप पार्टी की सरकार ने। आप ये बताइए ना कि आपने इन विभागों में क्या क्या अच्छा काम किया, आप अपने काम गिनाइए। दिल्ली वालों का रोज क्यों मजाक उड़ाते हो? दिल्ली वालों की मेहनत का मजाक उड़ाना गृहमंत्री को शोभा नहीं देता। लेकिन दिल्ली के इन मुद्दों के बीच फिलहाल तो चुनावी राजनीति में शाहीन बाग ही हावी दिख रहा है। अभी चुनाव में 2 हफ्ते बाकी हैं और शाहीन बाग के मामले पर ही बीजेपी केजरीवाल और कांग्रेस से दो दो हाथ करने के लिए जोर लगा रही है। प्रशस्ति शांडिल्य, सुशांत, राम किंकर सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।